मैंने नहीं करा आज तक चेक। भैया आज बहुत पागल हुए, कुछ नहीं है जान। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं अभी दिल्ली से निकल गया यार, अभी मैं जाऊंगा बुआ के पास। हिचकी आ रही है, दीदी याद कर रही है, मम्मी याद कर रही है, आई डोंट नो, गर्लफ्रेंड तो है नहीं। इन 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑनटू नजफगढ़ दौरा रोड, शहीद राव लक्ष्मी चांद मार्ग। चुप हो जा, चुप हो जा। तो अभी मैं निकलू, अभी निकला हूँ मैं जस्ट, यार नजफगढ़ है तो यहाँ से निकलूंगा अभी सुल्तानपुरी के लिए, फिर सुल्तानपुरी के लिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ अगर टाइम से पहुंच गया तो मैं आगे निकल जाऊंगा, नहीं तो वहाँ दीदी रहते हैं तो वहाँ ब्रेक ले लूंगा, फिर कल सुबह वहां से निकलूंगा। यहाँ से 43 मिनट्स बता रहा है 19 किलोमीटर के, तो अभी तो अकेला हूँ बट साथ में बुआ के पास जाके बुआ का लड़का बैठेगा तो फिर थोड़ा साथ हो जाएगा। वैसे तो मैंने ब्ला ब्ला पे डाला था बट यार फिर मैंने कहा कि क्यों ही डालना, पता नहीं कैसे मिलेंगे कैसे नहीं, तो फिर मैंने कोई बुकिंग नहीं ली, अकेले जाऊँगा। वैसे मन तो था मेरा ऐसे सोलो करने का बट कोई बात नहीं, फिर बुआ का फोन आ गया कि कृष्ण जाना जो बुआ का लड़का, तो अभी चलेंगे सीधे बुआ के पास। और ठीक है, मतलब यहाँ अभी इतनी ना ठंडी नहीं लगती सुबह सुबह, जैसे मेरे घर पे हिमाचल में थोड़ा सुबह ठंडा मौसम होता है तो वैसा नहीं है, शाम के टाइम आते आते ठंड लगना शुरू हो जाती है जब अंदर रहते हैं, तो भी बाहर धूप है इतनी ठंडी है और ठंडी हवा है यार। बस कैमरे ना हो चलान कट जाएगा मेरा। अभी चलते हैं सीधा ना और देखते हैं कितना टाइम लगता है, ऐसे 43 मिनट्स बताए, ट्राई करते हैं कि 30-35 मिनट में पहुँचने की। ओके भाई, अभी तो जस्ट मैं निकला हूँ और जाम पहले ही मिल गया मेरे को। डर लग रहा है कि मैं जाम में फंसा ना रह जाऊँ। आज वैसे सैटरडे है, छुट्टी होनी चाहिए थी, तब भी शायद जाम लगे गए, लोग बाहर घूमने निकले होंगे सुबह ही। भाई इनके सींग कितने बड़े हैं बैलों के, देखो गाड़ी गुड़ी तो फाड़ देंगे ये ऐसे ही। बंजारे पता नहीं राजस्थान के हैं तो हाँ बंजारे ही बोलते हैं, गाड़ी से ना मार दे बस, ये गाड़ी गुड़ी तो ऐसे ही फाड़ देंगे। पहले गाड़ियों का जाम था अब जानवरों का जाम है भाई। ये साइड में चला हुआ ऐसे लग रहा है, इतने बड़े सीन है, कहीं गाड़ी के साथ लग गया शीशा तो वैसे ही टूट जाएगा। आगे तक जाम लगाया हुआ भाई इन्होंने, मैंने सोचा था जल्दी पहुंचूंगा, 43 मिनट्स बताए थे, अब ये घंटे से ज्यादा ही लग जाएगा इस हिसाब से। तो भाई जो साथ में चला हुआ ना बाहर ये वाला मार ना दे गई, मैंने सोचा बैल है बट वो गाय थी, सो सॉरी। अब पूरा रास्ता क्लियर, अभी दिखा नहीं रहा कुछ भी जाम वगैरह, अभी लगा तो फिर मेरी किस्मत के ऊपर, नहीं लगा तो वो भी मेरी किस्मत के ऊपर। भाई दिल्ली और दिल्ली की गलियां पता नहीं कहाँ 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 से मेरे को गूगल मैप्स लेके आया, तो मेरे को लगा मैं पहुंचूंगा नहीं बट पता नहीं अभी शायद आ ही गया मैं। 350 मीटर है, बंदों के घुटने खराब हो जाते हैं ना। हाँ जब कहते ऑपरेशन कराना पड़ता है, बंदे ऑपरेशन नहीं करा तो अपनी वही मेरी कमर में दर्द है, सुना पट्टी बांधे कमर पे करवाने आया हूँ मैं। मैं दिल्ली की गलियां घूम रहा हूँ इतनी देर से, मैंने सोचा था जल्दी निकल जाऊंगा बट टाइम लग जाएगा। ये देख लो भाई दिल्ली की भीड़, और हेलमेट तो भाई 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें से एक बंदे ने पहना हुआ, हमने भी नहीं पहना हुआ वैसे तो, ये देखो। ठीक है भाई, यहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पेशेंस इतनी कम है लोगों का। भाई जितनी इस सिटी बोलूँगा मैं
नांगलोई करके है, जितनी यहाँ भीड़ है इतना पूरा हिमाचल में लोग, पॉपुलेशन मेरे को पता नहीं है दिल्ली की कितनी है टोटल, बट ज़्यादा ही होगी अपनी तो है ही 78 लाख के अराउंड, तो ये तो 1-2 करोड़ के पार ही होगी, चेक करना पड़ेगा। ये सारे भाई यहाँ की मार्केट है, सब ठीक है बट गंदगी बड़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मेरे को लगता है म्यूनिसिपैलिटी का होगा सारा, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि जिसकी दुकान है उतने एरिया में वही सफाई करेगा, नहीं करेंगे तो पेनल्टी डाल दो भाई, मतलब जितना घर है ना ऐसे लोगों को बोल दो कि हाँ भाई इतने एरिया का तुम साफ करोगे, या 5 मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का एरिया जितना भी है, तो ऐसे साफ सफाई रहेगी, नहीं तो हर जगह आपको बड़ा गंद मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा साफ है ये। हेलो भैया, मैं खड़ा हूँ नीचे। हाँ भैया, आई रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, होगी बाय बाय, चले बाय। भाई अब जाके मैं फ्लाईओवर चढ़ा, मेरा बीपी हाई हो गया इतनी दिल्ली की भीड़ देख के। अभी यहाँ से लगेंगे 5 घंटे चंडीगढ़ के लिए, फिर देखेंगे अगर थकान नहीं हुई तो सीधा निकल जाएंगे घर, नहीं तो फिर चंडीगढ़ में रुक जाएंगे दीदी के पास। है क्रिश है भाई, इतना टाइम हो गया निकले हुए बट अभी तक हम अब जाके फ्लाई ओवर पे पहुंचे, मेरे को नहीं पता अभी कितना टाइम लगेगा, और दिखा रहा है कंजेशन, नहीं दिखा रहा ना अभी भाई, इतने लोग जा कहाँ रहे हैं। पूरा टाइम ऐसे ही रहता है क्या क्रिश, इतनी भीड़? ऐसे ही रहता है। अच्छा हुआ हम निकल गए यहाँ से भाई, और ऊपर से गर्मी लग रही थी भाई, मैंने अपना स्वेटर खोल लिया। ये यहाँ पूरा जाम लगा हुआ देखो, फ्लाई ओवर की यही हाल है भाई, यहाँ इंसान से ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में, इंसान कम है, इंसान भी ठीक है बट उसके कंपैरिजन में ज्यादा है गाड़ियां, बहुत ज्यादा है गाड़ी, बहुत ज्यादा। भाई मेरे को पहाड़ दिखे भी दिल्ली के, दिल्ली के पहाड़ मैंने सोचा था हिमाचल में ही है, लेकिन दिल्ली में भी ये देखो भाई पहाड़ दिखेंगे पहाड़। ये देखो भाई, वाह वाह दिल्ली वालों वाह, क्या हवा है यहाँ की भाई, मेरे तो भाई नाक के बाल जल गए, ऐसी हवा है यहाँ। धूप फिर ठीक है, हवा देखो भाई कितने बड़े पहाड़ है यहाँ। हम तो भाई निकल आए, ये देखो यहाँ के आगे दिखा, ये देखो यहाँ का आगे कुछ नहीं दिख रहा, वो दिखा ऐसे लग रहा है भाई, इसको तो मैं क्या बोलूँ, पॉल्यूशन देख लो, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा अभी का, और ये जाम यहाँ तक लगा है भाई। अच्छा वो हम निकल आए, मेरे को नहीं पता आगे मिलेगा जाम कि नहीं, 2-3 बार अच्छा, अभी कितने बजे, 12:30 हो गए, 12:30, 5 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ के लिए, तो कितना टाइम दिखा रहा है, अभी लगेंगे 4 घंटे, मान के चलो कि 4-4:30 बज जाएंगे। अभी वही पेट्रोल डलवाएंगे, लाइट चली गई क्या?
चल रहे हैं। की पेट्रोल पंप की मशीन ही खराब होगी भाई। भाई यहाँ की हवा इतनी पॉल्यूटेड है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आगे जैसे देखो भाई। इतनी देर से चले हैं, हमने सोचा कहीं खाना खाएंगे, बट सर्विस रोड पे है सब कुछ ही, तो मन ही नहीं कर रहा। जब गाड़ी चली हो ना स्पीड में तो मन ही नहीं करता गाड़ी उतारने का नीचे। फिर बुआ ने पैक करा था घर से थोड़ा खाना, वो खाते हैं फिर आगे चल के कहीं देखते हैं बढ़िया सी जगह। से रुकने को मन नहीं कर रहा क्योंकि पहले से ही लेट है, अभी लग जाएंगे आप 2.5 घंटे लेके चलो 152 किलोमीटर्स। तो अभी टाइम हुआ 2:00, 2:04, हाँ 5:30 बजे पहुँचेंगे। पीछे सारा भाई गंद पड़ा हुआ, जैकेट्स पड़ी हुई, थक जाते हैं यार। भी खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, जूस को भी बोला। खाना खाने के बाद पीना था बट पहले ही मिल गया, तो मैं थोड़ा पहले ही निपटा लूँ उसको, बस बीमार ना हो जाऊँ। संतरे ठंडे होते हैं ना पीने वाले। भाई बहुत देर से बोर हो रहा हूँ मैं, अभी सीधा है रोड, यहाँ देखेंगे हाईएस्ट कितना जाती है। आज तक आपने चेक नहीं करा? मैंने नहीं करा आज तक चेक। अभी कम कर देते हैं भाई, आगे कैमरा भी है। कितना क्या देखा तूने? 120। ठीक है ठीक है, ट्रैफिक थोड़ा और कम होता तो और एक्सेलेटर देते हैं, बट कोई बात नहीं इस टाइम इतना ही है ना, सेफ भी चलानी चाहिए गाड़ी। ठीक है, अभी एवरेज चली है 20 की एवरेज चली है, देखते चंडीगढ़ तक पहुँचते कितने की होती है। मैं गाड़ी लेके नहीं गया 90 से ऊपर, अभी लेके गया जितनी भी लेके गया, ये मेरा गवाह है। गया मैं नहीं 75 50, हाँ मतलब 90 से नीचे ही था मैं। यार कैमरा तो है ही नहीं, हाँ कर सकते थे अभी करे मोड की ऐसी तैसी करने, खाली नहीं है रोड पर, कोई बात और गूगल पता नहीं कहाँ कहाँ डाल देता है, बट मेन रोड पे इतना ट्रैफिक था, बट ये बीच में से कहीं से ले गया, क्या ही जगह है भाई। मतलब अच्छी जगह है भाई, हिमाचल जैसी फील आ रही हो। सामने से तो गाड़ी आ जाए बड़ी तो कुछ नहीं है, पास हो जाएगा, बट यहाँ ट्रैफिक नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है। मतलब स्पीड से भी चले रहेंगे तो पहुंच जाएंगे आराम से। अब तो रह कितना गया, 40 किलोमीटर, 1 घंटा 10 मिनट बता रहे, बट फिर भी पहुंच जाएंगे इससे जल्दी। मैथ्स कमजोर है गूगल मैप्स का, पता नहीं किस हिसाब से जोड़ रहे हैं। ये क्या भाई आगे ये जाम लगा क्या? लो भाई यहाँ भी लगा दिया जाम, लो भैया। बट ये थोड़ा पास लेने में इनको दिक्कत लोगों को, और तो कुछ नहीं है, हम तो ले लेंगे। ठीक है, गाड़ी उतार दिए क्या नीचे? शायद से। आज तो भाई साहब भाई आज बहुत पागल हुए, कुछ नहीं है जाम। भाई सोचा था अच्छी जगह जा रहे हैं, बट आगे भी जाम लगा, फिर से वापस मुड़ के जा रहे हैं। भाई तू मनुष बैठा है करीश, तेरी वजह से हुआ सारा। यहाँ आके भाई जाम लग गए, यहीं से मुड़ के गए थे, अब ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं भाई बंदे। ये सब हमारी तरह गूगल मैप्स के भरोसे चले हुए, गूगल मैप्स को गाली देने का मन कर रहा है भाई। पहले मैंने इसकी तारीफ कर दी, डाइजेस्ट नहीं हुई इससे।
सारा जाम लग गया यहाँ। फिर से जिस मेन रोड से आया हमें वहीं से मोड़ लेना चाहिए था पता। वो अंकल बोल भी रहा था कुछ ट्रक वाले को, खुद की बुद्धि यूज करोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने सोचा था कि दिल्ली में ही ट्रैफिक है बट चंडीगढ़ में उससे भी ज्यादा ट्रैफिक है भाई। 2 घंटे हो गए इसी जाम में फंसे हुए। आगे दिखाना, दिख रहा है आगे। फाइनली वही ट्रैफिक से हम निकल चुके हैं, बहुत ही खुशी। 25 किलोमीटर रहा और अब तो मेरे को नहीं लगता अभी यहाँ इस रोड पे ट्रैफिक होगी। लाइट है तो अभी सीधा चल के फ्रेश होंगे और फिर जाएंगे हम अपने फ्रेंड से मिलने, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों होंगी। मेल्स मेल्स होगा ही नहीं, मेल्स मेल्स मेल तो कोई होगा, फीमेल होगी। मेल तो कोई नहीं होगा, मेल सिर्फ मैं ही होगा, बाकी सारी फीमेल होंगी। ठीक है, गया तो मैं फिर मिलवाऊंगा, नहीं गया तो फिर सो जाऊंगा, फिर कल मिलवाऊंगा।